Good morning. Welcome back to another class of Origin and Evolution of Life. बोलो बेना सुन सेम 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 डायलॉग सुन सुन के at the every start of the lecture I use the same verbatim any which ways. Okay. अब कुछ ही दिन का बेटा ये है टाइम है because लाइव रेगुलर क्लासेस अभी चालू हो जाएंगे, एक्सपेक्टिंग कि रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगे, सो आई विल नॉट हैव टू यूज दिस वर्बैटम वंस अगेन, मे बी एक्सपेक्टिंग दैट, एनी विच वेज, सो रीवाइविंग और रीआइट्रेटिंग व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास, वी एंडेड अप विद समथिंग कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म, कुछ नए पोस्टुलेट जो ऐड कर किए थे नियो डार्विनिज्म में, एंड देन पोस्ट दैट वी आल्सो स्पोक अबाउट म्यूटेशन थियरी गिवन बाय ह्यूगो डी व्राइस, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दी यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दी एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ ह्यूगो डी व्राइस, ठीक है, सो देयर वी फिनिश्ड अप थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन. तो अभी देखो हमने चैप्टर का जो यू नो फ्रेमवर्क है बहुत बहुत इंटरेस्ट बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क दिया है, ठीक है, पहले तो उन लोगों ने आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया, फिर लाइफ होने के बाद उन्होंने ये बताया कि लाइफ कैसे इवॉल्व होती है और हाउ डू वी कंक्लूसिवली कम टू अ राइट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू हाउ एवोल्यूशन टू प्लेस. तो उसके बेसिस में दे स्पोक अबाउट डिफरेंट एविडेंसेस, वी स्पोक अबाउट डिफरेंट प्रूफ्स जो हमको रिलेशंस बता रही है कि एवोल्यूशन ऑटोमेटिकली इट टुक प्लेस, ठीक है, देयर वाज नो इंटरवेंशन, देयर वाज नो इंटरवेंशन ऑफ सम सुपरनैचुरल पावर, ऑटोमेटिकली स्लोली एंड स्टेडीली चेंज व्हिच इज एन अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ योर ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम. सो चेंज, ये चेंज ही है जिसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्वड फ्रॉम अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो फिर प्रूफ्स के बारे में, उसके बाद उन लोगों ने थ्योरीज के बारे में बताया. अब वो बोल दिया कि थ्योरीज खत्म हो रही है, तो इसका मतलब आपको समझ में तो आ गया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ और टुडे हाउ आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टिल सर्वाइविंग इन दिस कॉम्पिटेटिव नेचर, सम ऑर्गेनिजम्स विच आर वीक दे आर एक्सटिंक्ट, सम ऑर्गेनिजम्स विच आर nearly weak they are getting endangered and some organisms which are strong like for example humans they are still existing on this face of the earth with that full power and with that full dominance, ठीक है, तो ये सब थी theories के बारे में. अब वो बात करेंगे, अब जो भी हम chapter के आगे बात करेंगे, those are all some extra points या extra salient features या characteristics of evolution. तो एवोल्यूशन में एक साइड वे करके कौन सा टॉपिक को एक्स्ट्रा ले लिया है, एंड टुडे व्हाट आर वी डिस्कसिंग इज नेचुरल सिलेक्शन व्हिच इज एन अल्टीमेट, नेचुरल सिलेक्शन इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ डार्विन, करेक्ट, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को बहुत ज्यादा जोर दिया, उसने ये बोला कि नेचर में ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स हु हैज गॉट एबिलिटी टू यू नो अडैप्ट टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एनी स्पेशल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनिजम्स विल गेट एन अपर हैंड एंड द ऑर्गेनिज्म विल बी सेव्ड इन दैट एनवायरनमेंट, ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो हमको पता है कि नेचर सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, नेचर सिलेक्ट कर रही है, नेचर सिलेक्शन और आई विल ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्रीनिंग, correct, so it is in which ways selecting the best out of the ordinary, is that right, jo bolne ka matlab ye hai ki ordinary group of organisms hai us ordinary ka ordinary pura ka pura lot mere ko nahi chahiye, mere ko kuch acche acche organisms chahiye jo jo genetic variation dikhaye and jo next generation aayegi that would be much more stronger as compared to that of the older generation, is that right, so
सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर क्लास इज नेचुरल सिलेक्शन. बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे हम लोग. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, लेमैन्स टर्म तो मेरे को पता है बेटा, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल सिलेक्शन? इट्स अ प्रोसेस ऑफ, या इट्स अ फिनोमेना ऑफ screening or selecting the best possible representative of an organism of selecting the best possible representative of a group which is influenced by nature. ठीक है, so no one will ask you the definition for that particular matter, but you should be knowing what natural selection is. Natural selection कुछ भी नहीं है, एक ऐसा phenomena where the nature is taking the charge and nature is selecting the best possible representative from a group such that that representative will be associated with producing with getting the opportunity or ownership of producing healthier progenies so that the ecosystem or the environment or the evolution would be a positive success. ठीक है, तो natural selection को समझने के लिए दो lecture में हम लोग natural selection खत्म करेंगे. In today's class we are only talking about a few examples. ठीक है, एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए हैं, उसके अलावा हम और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स पढ़ेंगे बिकॉज सच एग्जांपल्स आर बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, वो एग्जांपल दे देंगे और वो बोलेंगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है. ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ओके, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलनिज्म. Okay, industrial melanism. This is given in your NCERT, so we will be doing it in much detail. ठीक है, industrial melanism was studied by Ketelnik, and it was studied in England, specifically London. ठीक है, so Bernard Ketelnik करके जो ecologist था, he studied a very weird phenomena. Not weird phenomena, it was natural phenomena though, and he labeled it. उसने उस पे extensively काम किया, because देखो ecologist का काम बहुत difficult होता है technically. ठीक है, they have to have a keen observation with respect to the area जो उनके under है. ठीक है, वो एक छोटे छोटे एरिया मार्क करेंगे, उसमें दे विल कैलकुलेट द स्पीशीज डाइवर्सिटी कि कौन सा नया स्पीशीज ऐड हुआ है, कोई स्पीशीज चला गया है क्या. इन सिंपल वर्ड्स दे आर नथिंग बट काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वन पर्टिकुलर एरिया एंड उसके हिसाब से दे विल इन टोटलिटी दे विल कम टू अ कंक्लूसिव नंबर कि ये फॉरेस्ट में इतने ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म ये पूरे फिनोमेना या फिर ये this example was very famous with respect to industrial melanism. Industrial revolution. तो इसलिए नाम industrial melanism करके ये phenomena का नाम लिया गया. ठीक है, तो what was seen in this particular condition? ठीक है, industrial melanism में होता क्या था? Please try to understand. It was take the experimental model here which was taken. The natural selection of an organism called as Bistin betularia. Studied industrial melanism was studied by Ketelnik in England, specifically London. ठीक है, Ketelnik studied the population of
peppered moth, that is Biston betularia. ठीक है, Biston betularia. So what he studied, technically ये पूरी सिनेरियो को हम explain करेंगे. ठीक है, तो what we please try to understand, we'll take up a scenario that is pre-industrial revolution. Pre-industrial revolution में हुआ क्या? Okay, तब it is आपके history में industrial revolution पढ़ा होगा. It was nothing but everywhere there were factories which were put up, there were industries which were building up. ठीक है, so pre-industrial revolution जो environment था, that was pretty nice. ठीक है, तो उसने एक एरिया को देखा, एक स्पेसिफिक एरिया को मायना किया, एक एरिया को अपने कैलकुलेटिव यू नो स्पॉट में रखा. एंड व्हाट ही सॉ वाज, ये पेपर्ड मॉथ जो है ना, ये दो टाइप के हैं बेटा. ठीक है, दो टाइप के हैं, वन इज ग्रे पेपर्ड मॉथ एंड वन इज ब्लैक पेपर्ड मॉथ. एनसीईआरटी में ग्रे पेपर्ड मॉथ को लाइट पेपर्ड मॉथ दिया है. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट पेपर्ड मॉथ. मॉथ का मतलब समझते हो ना, एकदम बुद्धि से दिखने वाली बटरफ्लाई, इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, पकड़ी, ट्रायंगुलर शेप की जो ऐसे होती है बेटा. सो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है पेपर मॉथ का. सो व्हाट वाज सीन इन प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, तो सिनेरियो ऐसा था बेटा कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दी नंबर ऑफ, ठीक है, दो स्पीशीज मैंने आपको बताया कि ग्रे पेपर्ड मॉथ और लाइट पेपर ना ब्लैक पेपर्ड मॉथ. तो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ग्रे पेपर्ड मॉथ एंड ब्लैक पेपर्ड मॉथ, इसको डार्क पेपर्ड मॉथ भी बोल सकते हैं बेटा. ठीक है, सो दो स्पीशीज थे स्पेसिफिकली, दो कलर के पेपर्ड मॉथ का पॉपुलेशन वाज सीन इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लंडन. बट प्री इंडिपेंडेंस बोल रहा हूं, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ग्रे पेपर्ड मॉथ का नंबर वाज कंपैरेटिवली मोर. ठीक है, व्हेयरएज ब्लैक पेपर्ड मॉथ का नंबर वाज कंपैरेटिवली लेसर. अब इसका रीजन क्या था बेटा? ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ग्रे पेपर्ड मॉथ ज्यादा क्यों था और ब्लैक पेपर्ड मॉथ कम क्यों थे? स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ग्रे पेपर्ड मॉथ, ये ट्री ट्रंक्स पे लाइकेन का ग्रोथ था. ठीक है, बिकॉज़ प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे देयर वाज नो पोल्यूशन एंड यू नो लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे. ठीक है, तो लाइकेन का ग्रोथ होता था इस पे ने ट्री के ट्रंक्स पे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइकेन, दीज ग्रे पेपर्ड मॉथ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हाइड देमसेल्फ, मतलब कैमोफ्लेज हो सकते थे. जो लाइकेन के ऊपर बैठते थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रीडेटर टू सी कि कोई पेपर्ड मॉथ है, कोई प्रे है वहां पे. ठीक है, सो ग्रे पेपर्ड मॉथ का नंबर ज्यादा क्यों था ऑन दैट इन दैट पर्टिकुलर एरा और इन दैट पर्टिकुलर टाइम? बिकॉज देयर वर मोर नंबर ऑफ लाइकेन कवरिंग दी ट्री ट्रंक्स. और हमको तो पता है कि लाइकेन इज दी इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. लाइकेन पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में ग्रो हो सकता है, पोल्यूशन इन पोल्यूटेड एनवायरमेंट में ग्रो नहीं हो सकता. सो दिस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लाइकेन गेव इट एन एबिलिटी टू कैमोफ्लेज. ओके, सो ग्रे पेपर मॉथ का नंबर ज्यादा क्यों था बेटा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ लाइकेन कवरिंग द ट्री ट्रंक. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द ग्रे पेपर मॉथ गॉट एन एबिलिटी टू कैमोफ्लेज. सो टेक्निकली कंक्लूसिवली ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये ऑर्गेनिज्म वेर मोर फिट, दे वेर मोर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन सच एन एनवायरमेंट. वेर इज ब्लैक पेपर मॉथ भी थे बट इनका नंबर धीरे धीरे कम होते क्यों गया? बिकॉज दे कुड बी इजीली स्पॉटेड बाय द प्रीडेटर. कोई भी प्रीडेटर हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई लिजर्ड हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो इसको खाते हैं. ठीक है, सो ब्लैक पेपर्ड मॉथ वेर वेरी स्पेसिफिकली
इन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो इसीलिए धीरे धीरे इकोसिस्टम को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए दी ब्लैक पेपर मॉथ का नंबर डिक्रीज. सो स्लोली एंड स्टेडली नेचर वाज सिलेक्टिंग ग्रे पेपर्ड मॉथ ओवर ब्लैक पेपर्ड मॉथ. ठीक है, तो ब्लैक पेपर्ड मॉथ का नंबर धीरे धीरे कम होते गया. वो पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट नहीं हुए, नेचर में वो थे. ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर पहले 50-50 का रेशियो था, सो नाउ स्लोली एंड स्टेडली ग्रे का नंबर इंक्रीज होते होते 70-80-90 हो रहा है और इसका 10% हो रहा है. पर 10% तो है, दे आर स्टिल प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम आर स्टिल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, बट ओनली व्हाट यू कैन सी इन द ग्रेटर नंबर वुड बी ग्रे पेपर्ड मॉथ, बिकॉज ग्रे पेपर्ड मॉथ got an easy advantage to hide themselves from the compromising condition, and that compromising condition is the spot of the predator. ठीक है, तो ये हो गया बेटा. अब 50 साल के बाद स्पेसिफिकली, नहीं 50 साल के बाद नहीं, माय मिस्टेक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले दिस वाज द कंडीशन. नाउ व्हाट हैपेंड पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉमन सेंस बेटा, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ होगा, फैक्ट्रीज बने, है ना, फैक्ट्रीज बने, इंडस्ट्रीज बने, पेस्टिसाइड के इंडस्ट्रीज बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो पोल्यूशन वॉज एब्सोल्युटली सोरिंग हाई, राइट, द एयर इंडेक्स comparatively became even more dirty, because तब तो ऐसे strong pollution control के norms नहीं थे, right? Today still at least the rules and regulation legislation is absolutely strict. So comparatively पहले के जमाने से अब pollution control में control करने वाली body है, जो काम नहीं करती वो अलग बात है. ठीक है, बट पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, राइट. सो पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंड, दी पोल्यूशन का अमाउंट, दी डिग्री ऑफ पोल्यूशन बोलो, या जो कंडीशन एयर की कंडीशन बोलो, दैट कंपैरेटिवली डिटीरियोरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ विच दी लाइकेन का ग्रोथ वॉज रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, अब लाइकेन का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गया तो ग्रे पेपर मॉथ तो डेंजरस, क्योंकि ट्रंक कैसा दिखता था, ब्लैक दिखता था, डार्कर अपीयरेंस का था, क्योंकि ये ट्रंक पे लाइकेन ग्रो होते थे, इसीलिए ग्रे पेपर मॉथ को एडवांटेज मिली. ठीक है, बट नाउ बिकॉज ऑफ, लेट मी राइट राइट इट डाउन फर्स्ट, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नाउ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन लाइकेन स्टॉप्ड ग्रोइंग, लाइकेन स्टॉप्ड ग्रोइंग. And hence what happened? कि ग्रे पेपर्ड मॉथ का नंबर जो है, ग्रे का नंबर कम हो गया बेटा, एंड ब्लैक पेपर्ड मॉथ का नंबर इंक्रीज हो गया. समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तो यहां पे लाइकेन कम होने की वजह से नाउ ब्लैक गॉट एन एडवांटेज, ब्लैक गॉट एन एडेप्टेबिलिटी टू कैमोफ्लेज ओवर द ट्रंक. तो ग्रे उसमें से हमको स्पॉट करके दिख के आते थे. तो धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, कि स्लोली एंड स्टेडली नाउ नेचर सिलेक्टेड दी ब्लैक पेपर मॉथ ओवर ग्रे पेपर मॉथ. नेचर को तो अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम बनाना है, एक बैलेंस बनाकर रखना है, इज दैट राइट? तो कंप्लीटली मॉथ अगर कंप्लीटली खराब हो गए, खत्म हो गए वहां पे, सो जो बाकी के डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है दे विल आल्सो बी अफेक्टेड, एंड हेंस द एंटायर इकोसिस्टम विल बी डैमेज्ड, राइट? बट यहाँ पे नेचर एक बहुत प्यारा सा गेम खेल रहा है. प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसको सपोर्ट किया, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्लैक पेपर्ड मॉथ को सपोर्ट किया. क्यों? यू नो द रीजन फॉर दैट, इज दैट राइट? सो दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल व्हिच ही स्टडीड आफ्टर ही स्टडीड इन विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल में इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, के एग्जाम्पल बार बार आने वाला है आगे भी, जब हम लोग टाइप्स ऑफ ये पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज व्हेन वी विल एलैबोरेट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल स्टिल फर्दर. ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज होता होगा कि सर, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ऐसा होता है कि सर पहले ऐसा होगा शायद कि पूरी इंग्लैंड में या फिर लंदन में छोटे से एरिया पे स्टडी किया था, कि पूरे एरिया में देयर वर ओनली ग्रे पेपर्ड मॉथ, ब्लैक थे ही नहीं. अब धीरे धीरे पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा था, एनवायरनमेंट चेंज हो रही थी, है ना, तो एनवायरनमेंट चेंज हो रही थी, इसीलिए
लमार्क का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लग सकता है कि एनवायरमेंट चेंज हो रही थी, इसलिए एक ये ग्रे पेपर मॉथ ने अब मेलनाइज्ड विंग्स, दैट इज दे अक्वायर्ड अ ट्रेट ऑफ हैविंग मेलनाइज्ड विंग्स, ठीक है। अब मेलनाइज्ड विंग्स आने की वजह से अब क्या हो गया बेटा, सुन लो बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो अप्रोच लग रहे हैं, ये अप्रोच किसका है, डार्विनिज्म का अप्रोच है। डार्विनिज्म क्या बोल रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वर बोथ ऑफ देम एग्जिस्टिंग, साथ में भाई भाई जैसे रहते थे, बट कंडीशन इसके लिए सपोर्टिव थी, तो ग्रे पेपर्ड मॉथ बढ़ते गया, ब्लैक पेपर्ड मॉथ कम होते गया, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि लाइकेन का ग्रोथ कम हो गया, ब्लैक पेपर्ड मॉथ को सपोर्ट मिल गया, एडवांटेज मिल गया, तो ब्लैक पेपर्ड मॉथ बढ़ता गया और ग्रे पेपर्ड मॉथ कम होता गया, ठीक है। तो ये अप्रोच है किसका, डार्विन का, ये अप्रोच है नेचुरल सिलेक्शन का। बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस माइट अराइज, इसको तुम लमार्क का अप्रोच लगा कर देखो, सर लमार्क का अप्रोच भी सही लग रहा, क्या अप्रोच है लमार्क का कि इमेजिन कर लो कि पहले कोई ब्लैक पेपर मॉथ थे ही नहीं, देन ओनली ग्रे पेपर मॉथ, क्योंकि ये कंडीशन से हम लोग वो भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ओनली देयर वर ग्रे पेपर मॉथ। अब कंडीशन चेंज हुई बिकॉज चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट लेड टू अक्वायर्ड ट्रेट्स। तो चेंजिंग एनवायरमेंट की वजह से कुछ तो, आज तो मेरे को रीजन भी पता है, तो कुछ तो जेनेटिक लेवल पे हुआ कि ग्रे पेपर्ड मॉथ धीरे धीरे दे अक्वायर्ड अ ट्रेट ऑफ हैविंग ब्लैक पेपर्ड मॉथ, अक्वायर्ड अ ट्रेट ऑफ हैविंग डार्कर विंग्स। सो डार्कर 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 होते होते पूरा का पूरा जो एरिया है दैट वाज कंप्लीटली कवर्ड बाय ब्लैक पेपर्ड मॉथ। तो ये अप्रोच तो यहां पे भी लग सकता है, बिल्कुल सही लग रहा है ना, कि सर ये रीजन हो सकता है शायद कि ब्लैक पेपर्ड मॉथ बढ़ते बढ़ते क्यों गए, बिकॉज slowly and steadily the grey peppered moth only, the existing grey peppered moth got क्या बोलते उसको, it acquired a characteristic, it acquired a trait of having melanized wings, ठीक है। तो ये अप्रोच लमार्क का लग सकता है, तो इसी को प्रूव करने के लिए कि लमार्क का अप्रोच नहीं लग सकता है यहाँ पे, आफ्टर पोस्ट, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन 50 years later, when the pollution was under control, ठीक है, just imagine करो, ये कैटल नेक का extended experiment है, क्योंकि जैसे ऐसे जैसे आपको doubt आया, जैसे बहुत सारे लोगों को भी आया होगा, है ना। तो 50 years later, when they did a calculated study of these peppered moth once again, 50 years later क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत बीमारियां होती थी लोगों को, ठीक है, because there were no strict rules I said, but slowly and steadily what people understood the importance of clean environment, peaceful environment, है ना, and slowly and steadily pollution control measures were implemented, and slowly and steadily जो pollution control था वो ऑटोमेटिकली दिख रहा था कि पोल्यूशन कंट्रोल पे आ रहा है, एंड द सिनेरियो इज रिटर्निंग बैक टू एज इट वाज इन द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसा क्लीन एकदम बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं था, एयर नहीं था, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना बिगड़ा हुआ एयर भी नहीं था, ओके। सो 50 इयर्स लेटर व्हेन द एयर क्वालिटी, व्हेन द पोल्यूशन वाज अंडर गेटिंग अंडर कंट्रोल, अस्टॉनिशिंगली व्हाट दे ऑब्जर्व अगेन, they observed after 50 years what they observed, this was very conclusively important, what they observed was increase in the grey peppered moth or black peppered moth ka decrease ho gaya beta wapas samajh aaya, ठीक है। 50 years later वापस क्या हो गया, पहले सिनेरियो जैसे आ गया कि ग्रे पेपर्ड मॉथ, मैंने पेपर्ड नहीं लिखा है तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अज्यूम इट कि मैंने लिखा है यहाँ पे। तो 50 years later आफ्टर 50 years later ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंड, ग्रे पेपर्ड मॉथ का नंबर वापस इंक्रीज हो गया, ब्लैक पेपर्ड मॉथ का नंबर वापस डिक्रीज हो गया। अब सर अगर लमार्क का अप्रोच यहाँ पे लगाते तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लमार्क का अप्रोच अगर यहां पे लगाते हैं बेटा, बिकॉज लमार्क के अप्रोच के हिसाब से ग्रे पेपर्ड मॉथ ने अपने नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट
रिंग्स को डार्कर करते 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 वो ब्लैक तक आ गए, ठीक है। अब मतलब दे हैव अक्वायर्ड अ ट्रेट ऑफ हैविंग मेलनाइज्ड विंग्स। नाउ अगेन दे कैन नॉट लूज दैट अक्वायर्ड ट्रेट्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? ईदर यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इज दैट राइट? सो स्लोली एंड स्टेडली वापस वो अपने कंडीशन में नहीं आ सकते, इज दैट राइट? वापस दे कैन नॉट लूज द अक्वायर्ड ट्रेट्स। सो लमार्क का अप्रोच यहां पे नहीं लग सकता बेटा, इट इज नथिंग बट प्योरली एन एग्जांपल ऑफ natural selection which says once upon a time both of these organisms were living in harmony, but who was selected by the nature? Grey peppered moth in the scenario pre-industrial revolution. When the scenario changed, when the environment changed, the black peppered moth got an advantage over grey peppered moth and the nature selected them. 50 years later, post-industrial revolution, wabas, what happened? The air quality again was up to the mark, and slowly and steadily, the grey peppered moth slowly and steadily started to increase in number, and the black peppered moth again decreased. So this is one classic example, जहाँ पे एक पूरा का पूरा एक population ही, एक पूरा का पूरा population का amount, एक दो population रह रहे हैं, अचानक से एक population बढ़ गया, दूसरा population कम हुआ, but यहाँ पे total number of organisms कम नहीं हुए हैं, total number of organisms can be equal. मैंने आपको वही बताया, 50-50 का ratio था, अब ये बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते 90 हो गई, ये 10 हो गया. पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्लैक क्या हो गया? देखो घड़ी पे ना ब्लैक, ठीक है, ब्लैक क्या हो गया? स्लोली स्टडी 10 से इंक्रीज होते 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 ये 90 पे चला गया, ये 10 पे आ गया. मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली सेम. इज इट वेरी क्लियर? बिकॉज यही कैलकुलेटिव एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. सो वी विल हैव वी डिड इट इन डिटेल. आई होप दिस इज मच मोर क्लियरर and it is very clearly given in your notes. आपको सिर्फ scenario समझना है, ठीक है? आप scenario बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो बेटा. Is that very clear? So this is one example. The next example which we will be talking about in industrial, in natural selection is DDT resistance in malaria. Second example देखते हैं. DDT resistance in, did I say malaria? My mistake, pardon, sorry. DDT resistance in mosquitoes. ठीक है, DDT का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. सो ये फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है. It has nothing to do with biology. ठीक है, सो तो भी मैं लिख लेता हूं ताकि मैं भूल नहीं जाऊं. दैट इज डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, सो पहले के जमाने में ऐसे था कंडीशन मेरा. आपने देखा रहेगा ना कि डीडीटी वाले आते हैं धुआं वाले. हम बचपन में हम तो उसके पीछे पीछे घूमते थे. दे यूज्ड टू बी अ मैन हु यूज्ड टू कैरी अ ह्यूज डिवाइस, ठीक है, ह्यूज स्मोकिंग डिवाइस. ठीक है, हमको ऐसा लगता था कि क्या कर रहा है ये. वी नेवर न्यू दैट इट वाज पेस्टिसाइड्स बिकॉज आवर मदर आल्सो डिडंट से कि उसकी वो पेस्टिसाइड्स है, हार्मफुल है. हम तो नाचते थे एज इफ वो यू नो टीवी वगैरह में देखते थे ना, क्लाउड्स आता है पैर में, देवलोक एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई रिमेम्बर बचपन में हम इसके पीछे पीछे घूमते थे. एंड टुडे ऑल्सो यू कैन सी डीडीटी, बट द इफेक्ट ऑफ दैट डीडीटी इज प्रीडोमिनेंटली नॉट देयर. मतलब तब के जमाने में ऐसा था बेटा कि डीडीटी वॉज द प्राइमरी, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी टाइप ऑफ पेस्टिसाइड विच दे वर यूजिंग. ठीक है, पेस्टिसाइड बोलो या इंसेक्टिसाइड बोलो, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल था. आज अगर आप देखते हो तो मॉर्टीन है, ऑल आउट है, कितने सारे और अलग अलग तरीके से मारने के लिए है ना, मॉर्टीन, ऑल आउट, ये जो ये आते हैं
वेपोराइजर्स जो आते हैं, दे विल बेसिकली एक्ट ऑन दी स्पेसिफिकली दे विल एक्ट ऑन दी न्यूरोनल सेल्स ऑफ दी मस्कीटो, जिसके वजह से मस्कीटो अनकॉन्शियस हो जाता है. इट कॉजेस मैं वही पढ़ रहा था कहीं तो उसमें ये बताया था कि ये जो वेपोराइजर्स में जो कंपोनेंट होते हैं, देयर आर स्पेसिफिक केमिकल कंपोनेंट व्हिच गोज एंड अफेक्ट्स द सिग्नलिंग ऑफ द मॉस्किटोस एंड दे स्लोली एंड स्टेडली बिकम पैरालाइज्ड. सो वेपोराइजर पैरालाइज करवाता है. फिर आपका स्प्रे जो है दैट इज अ सरफेस इनहेलेंट, है ना, वो अगर वो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर चले जाते हैं स्प्रे, तो तुरंत वो ऑर्गेनिज्म अनकॉन्शियस होके मर जाता है, सफोकेट होके मर जाता है. तो देयर आर सेवरल अदर स्ट्रेटजीज व्हिच वी हैव इंप्लीमेंटेड. ठीक है, ओडोमॉस लगाते हैं, बट पहले के जमाने में कुछ भी नहीं था ना, इंडस्ट्रीज नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी, तो पहले के जो मच्छर थे वो बहुत बेचारे थे. ठीक है, मस्कीटोज आर वन ऑर्गेनिज्म व्हिच अ लॉट ऑफ इकोलॉजिस्ट दे से कि मस्कीटोज को पूरे इसमें से निकाल दिया, नेचर में से निकाल दिया, तो भी कुछ भी फर्क, रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, तो पहले के जमाने में ऐसा था कि डीडीटी वाला जो आता था, हफ्ते में एक बार भी आता था, महीने में एक बार भी आता था, तो मच्छर का इतना ज्यादा त्रास नहीं होता था लोगों को. ठीक है, बट नाउ वो डीडीटी वाला आता है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, पूरा एकदम क्लाउडी क्लाउडी दिखता है, अगेन द कंडीशन इज एब्सोल्युटली द सेम. तो बोलने का मतलब ये है कि तब ऐसा था कि मस्किटोज, बिकॉज दिस वॉज अ प्राइमरी लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड, इट वॉज वेरी हार्मफुल टू द मस्किटो. ठीक है, तो इसका मतलब तभी भी देयर वर टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग. एक ऑर्गेनिज्म था जो रेजिस्टेंट टू डीडीटी था, और एक ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल टू डीडीटी था, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो तभी के जमाने में इनिशियली व्हाट वाज द कंडीशन, दैट अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज वर डाइंग. ठीक है, सो दी डेथ्स ड्यू टू डीडीटी वाज मोर. ठीक है, इन अदर वर्ड्स डेथ किसका होगा बेटा, ये डेथ जिसका भी होगा, दे आर ऑल ससेप्टेबल सेंसिटिव. ससेप्टेबल का मतलब क्या है, सेंसिटिव, दे आर ससेप्टेबल टू डीडीटी. ठीक है, दी रेजिस्टेंट मस्कीटोस वेयरलेस, बट स्टिल नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, सबको मार गया. ठीक है, 50 साल पहले मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच वर डीडीटी ससेप्टेबल सबको मार दिया. ठीक है, बट नेचर ने किसको सेलेक्ट करके रखा, रेजिस्टेंट मस्कीटोस वेयरलेस. ठीक है, 50 इयर्स, आफ्टर 50 इयर्स ऑन एन एवरेज, आफ्टर 50 इयर्स, बिकॉज नेचर ने रेजिस्टेंट, इसको सर्वा कर लेते हैं, नेचर ने ये रेजिस्टेंट मस्कीटोस को सेलेक्ट करके रख दिया, जिसपे अभी भी डीडीटी का मतलब ये नंबर लगे मस्कीटोस, दे वर कंपैरेटिवली फिट फ्रॉम द ससेप्टेबल वन. ठीक है, तो ये ज्यादा प्रोजेनी बनाने लगे, ये ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस होने लगे, ज्यादा प्रेजेंट थे, एंड डीडीटी इन पे कुछ भी फर्क नहीं खुद कर रहा था. ठीक है, सो आफ्टर 50 इयर्स व्हाट वाज सीन, दैट आफ्टर 50 इयर्स द रेजिस्टेंट डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटोस increased in number and hence no effect of DDT. समझ गया बेटा? तो this is one of the example कि पहले नेचर ने तब जब DDT ही प्राइमरी लेवल ऑफ ये था, क्या पेस्टिसाइड था, दिस इज सेम इज द कंडीशन व्हिच इज हैपनिंग विद कोरोना. जो कोरोना बैट या पैंगोलिन से आया था, दैट वाज द मोस्ट कंटेजियस, दैट वाज हैविंग द मोस्ट वायलेंट फैक्टर. ठीक है, उसने एक्स नंबर, एक मतलब एक नंबर ह्यूमन नंबर 1 को इन्फेक्ट किया. ठीक है, एंड ह्यूमन नंबर 1 वाज गिवन मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ही वाज गिवन एंटीवायरल्स एंड ऑल दोस ट्रीटमेंट वाज स्पेसिफिकली गिवन. ठीक है, तो ह्यूमन नंबर 1 से ह्यूमन नंबर 2 में जो ऑर्गेनिज्म गया वो कंपैरेटिवली वीकर ऑर्गेनिज्म्स था. ठीक है, सो ह्यूमन नंबर 2 और ह्यूमन नंबर 1 में
the strain of virus which infected. So human number 1 had the most virulent virus infection, human number 2 had the less, comparatively less virulent. Agar 1 se compare karo to jo 2 ko attack kar raha hai wo comparatively weak hai. 2 से 3, 2 को भी ट्रीटमेंट मिलेगा तो वायरस और वीक होते जाएगा. 2 से 3 में गया और वीक होते गया. सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू एलिमिनेट अ नेशनल पैंडेमिक और इंटरनेशनल पैंडेमिक. यही कंडीशन है जो अब लोग बोल रहे हैं कि कोरोना खत्म हुआ. बेटा कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बस लोगों की इम्यूनिटी और वायरस थोड़ा सा वीक हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है. इट इज वी विल हैव टू लिव विद दिस पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है, तो तब ऐसा कंडीशन था कि डीडीटी बहुत ज्यादा था, तो नेचर सिलेक्टेड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म. अब आज क्या हो रहा है, इसीलिए डीडीटी की वजह से, बिकॉज आज नंबर ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, पूरी लेगेसी चल के आ रही है उनकी. ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर कंपैरेटिवली मोर, हेंस डीडीटी हैज नो इफेक्ट ऑन दी मलेरियल स्केल. ठीक है बेटा, तो दिस वॉज वन एग्जाम्पल. इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. अगर मेरे को एवोल्यूशन एक ही प्लेट में एक दिन में सिलेक्ट करना है या स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, एक रेप्लिका प्लेट मेथड करूंगा. ठीक है, रेप्लिका प्लेट मेथड विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बायोटेक्नोलॉजी. सिलेक्शन, सिलेक्टेबल मार्कर्स में हमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो भी हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, थर्ड एग्जाम्पल इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया. ठीक है, अब इसको स्टडी करना है. कैसे स्टडी करना है, वो ओपन रेप्लिका प्लेट, रेप्लिका, आई जस्ट वेंट टू सी दी टाइम, रेप्लिका प्लेट मेथड से हम चेक करेंगे बेटा. ठीक है, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन दी बैक्टीरिया को चेक करने के लिए एक मास्टर प्लेट लिया है हमने. ठीक है, एक मास्टर प्लेट, एंड दिस मास्टर प्लेट इज हैविंग ओनली न्यूट्रिएंट अगार. अब ये मास्टर प्लेट पे मैंने कोई नॉर्मल, इमेजिन कर लो कि वाटर सोर्स लिया या किसी का फीकल सैंपल लिया, यस, या कोई भी पर्टिकुलर सैंपल लिया, है ना, इन्फेक्टेड एरिया से लिया, सॉइल सैंपल लिया, वाटर सैंपल लिया, कोई भी सैंपल, नेचुरल सैंपल से मैंने ऑर्गेनिज्म को इसमें प्लेट किया. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट अगार का प्लेट है ना सिर्फ, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज बने होंगे बेटा. द सेवरल कॉलोनीज विच वी सी. ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आफ्टर 24 आवर्स. ठीक है, मतलब मैंने क्या कर दिया, आरपीएम, आई डिड रेप्लिका प्लेट मेथड. ठीक है, रेप्लिका प्लेट मेथड किया मैंने इस प्लेट पे, और रेप्लिका प्लेट मेथड मैंने दूसरे प्लेट पे किया, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट अगार प्लस पेनिसिलिन, एंड दिस वाज आफ्टर 24 आवर्स. तो व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, जब मैंने यहां से ऑर्गेनिज्म को स्टैम्प कर यहां पे ऑर्गेनिज्म को मारा, सो आई डिड नॉट गेट ऑल द कॉलोनीज, स्पेसिफिकली आई डिड नॉट गेट ऑल द कॉलोनीज, बट आई ओनली गॉट दोस कॉलोनीज विच वेर रेजिस्टेंट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नेचर, हमने क्या कर दिया है, देखो पहला इनका एनवायरमेंट ऐसा था, कंडीशन ऐसा था दोनों को, तो नेचर यहां पे दोनों को सपोर्ट कर रहा है. इसी प्लेट में कुछ रेजिस्टेंट भी है, कुछ ससेप्टिबल भी है, सेंसिटिव भी है. तो ये प्लेट में कौन आएंगे, जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, ससेप्टिबल है, वो नहीं आएंगे, राइट. सो नेचर ने यहां पे दोनों को सेलेक्ट किया है बिकॉज कंडीशन दोनों के लिए फेवरेबल है. ठीक है, जैसे ही मैंने नेचर का चेंज कर दिया, जैसे मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, फूड सोर्स नहीं, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक डालकर कंडीशन, I made the condition a little more difficult for these organisms to survive, but still there were a few organisms which survived. That means nature
यहां का पेनिसिलिन वाला नेचर ने किसको सिलेक्ट किया है, दैट मींस दिस एक कॉलोनी यहां पे, एक कॉलोनी यहां पे है, एक यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। मतलब इसको और इसको कंपेयर करोगे, दोनों प्लेट को कंपेयर करोगे, सो दिस इज वन कॉलोनी, दिस इज वन कॉलोनी, दिस इज वन कॉलोनी, ये इस सारे कॉलोनीज क्या है, ये रेजिस्टेंट कॉलोनीज है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, वेरस बाकी के जितने भी दिख रहे हैं आपको, दे आर ऑल ससेप्टिबल सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स, तो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म यहां पे आए ही नहीं, इज दैट राइट। सो नेचर ने यहां पे किसको सिलेक्ट किया, नेचर ने यहां पे सिलेक्ट किया ओनली एंड ओनली सेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, तो यहां पे जो भी कॉलोनीज आ रही है दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। अब यही ये ऐसे के ऐसे ही मैंने इनका रेप्लिका प्लेट किया आरपीएम, अब जैसे ही मैंने इस प्लेट का आरपीएम किया, इस प्लेट का रेप्लिका प्लेट मेथड किया, तो टेक्निकली व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, आई शुड एक्सपेक्ट कि एक दो तीन चार पांच छह, छह कॉलोनीज दिखनी चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ एग्जैक्ट जगह पे स्टैंप मारा है, है ना, तो यहां से मैंने लेकर यहां पे स्टैंप मारा, ये प्लेट में क्या है, देयर इज न्यूट्रिएंट अगार प्लस पेनिसिलिन अगेन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट समझ गया आपको, सेकेंड प्लेट में आफ्टर 24 आवर्स में यहां पे देखता हूं, आफ्टर 24 आवर्स मैं यहां पे देखता हूं कि आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक दो तीन चार पांच एग्जैक्ट जगह पे आने चाहिए मेरे को, बट व्हाट डू आई सी एस्टोनिशिंगली कि एग्जैक्ट पांच कॉलोनीज नहीं है मेरे को, ठीक है, आई कुड सी नंबर ऑफ कॉलोनीज एंड द नंबर ऑफ कॉलोनीज आर कंपेरेटिवली मोर। अभी आप यहां से समझ सकते हो बेसिक एग्जाम्पल, ये एक दिन में आप समझ रहे हो एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, इस एक दिन को आप टाइम लैप्स पे डाल दो मिलियन ईयर्स, ठीक है, मिलियन ईयर्स। सो बोलने का मतलब यह है इस कंडीशन में नेचर सिलेक्टेड बोथ इन द पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट, द नेचर सिलेक्टेड ओनली, नेचर सिलेक्टेड ओनली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब थर्ड प्लेट में दीज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो थर्ड प्लेट में दे हैड एन एम्पल अमाउंट, दे हैड एन एडवांस एडवांटेज कि पेनिसिलिन हो कोई भी हो मैं तो ग्रो करूंगा, इसलिए वो उनका नंबर भी इंक्रीज हो गया। दिस इज हाउ द नेचर इज सिलेक्टिंग, यहां पे नेचर ने सिर्फ इसमें से इस मिक्स्ड पॉपुलेशन में से रेजिस्टेंट को सिलेक्ट किया, अब नेचर यहां पे रेजिस्टेंट को और इंक्रीज करा रही है बिकॉज यहां का एनवायरमेंट क्या बोल रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंट ग्रो होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एक दिन में हम लोग, तीन दिन में हम लोग एवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, सो दिस इज हाउ अ नेचुरल सिलेक्शन कैन बी एक्सटेंसिवली स्टडीड इन द लैब ऑल्सो, ठीक है। So that is one example. One more example, third example with respect to a natural selection. There are two more examples which we'll be talking about. One example, jab log aap log multiple alleles करके एक topic में पढ़ोगे और एक pleiotropic gene करके एक topic में पढ़ोगे, ठीक है? And lethal gene में भी आप लोग एक topic पढ़ोगे, ठीक है? So let's go ahead and link that. So let's take up the third example, fourth example. Fourth example of natural selection. Fourth example is sickle cell anemia. Now, sickle cell anemia is a quantitative disorder in which आप ये genetics में पढ़ने वाले हो, it is an autosomal recessive disorder. Sickle cell anemia is a autosomal recessive disorder and it's a quantitative disease.
It is nothing but a point mutation. It is caused due to point mutation. Okay. जहां पे आपके जो बीटा चेन्स है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है? इट्स एन एक्सचेंज बिटवीन ग्लूटामिक एसिड एंड वैलिन, ये आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, इन जेनेटिक्स, इज दैट राइट? सो इट इज अ डिजीज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन वेयर यू हैव सिकल शेप्ड आरबीसी. मेरे को जो इस टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? सिकल शेप्ड आरबीसी, एंड दिस सिकल शेप्ड आरबीसी इज ड्यू टू अबनॉर्मल बीटा प्रोटीन, ठीक है? अबनॉर्मल बीटा प्रोटीन होने की वजह से पूरा का पूरा आरबीसी सिकल शेप्ड का हो जाता है, मतलब टेक्निकली ये एक अबनॉर्मल आरबीसी है, ठीक है? तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीनोटाइप है बेटा, सिकल सेल एनीमिया का जो जीनोटाइप है उसको हम लिखेंगे कैसे? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, द जीनोटाइप्स, ठीक है, बहुत सारे जीनोटाइप्स देख रहे हैं. हियर एचबी रेफर्स टू, एचबी रेफर्स टू हीमोग्लोबिन, एचबी ए, एचबी ए, हियर एक लोकस पे एचबी ए है, एक लोकस पे एचबी ए, दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट है. सो दिस इज अ कंडीशन व्हिच इज नॉर्मल, ठीक है? ये एक एचबी ए एलील नॉर्मल एलील है, एचबी ए एलील नॉर्मल एलील है, ठीक है? ये फर्स्ट फिनोटाइप है. दूसरा फिनोटाइप है बेटा एचबीएस, सॉरी एचबीए, एचबीएस, एचबीए, एचबीएस. इन दिस पर्टिकुलर केस आई टोल्ड यू इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. तो अगर डिजीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में देखना है आपको, तो आपको डिजीज को देखना है फिनोटाइपिकली, तो आपको दोनों दोनों क्रोमोसोम पे द जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया शुड बी प्रेजेंट इन द रिसेसिव फॉर्म. बट यहां पे क्या है, एक क्रोमोसोम पे अडल्ट डोमिनेंट स्टेटस पे है, एक क्रोमोसोम पे रिसेसिव स्टेटस पे है. ये दोनों सेम एलील है, ठीक है? दे डिफरिंग इन अ पॉइंट म्यूटेशन, इज दैट वेरी क्लियर? तो एचबीए इज द नॉर्मल एलील, एचबीएस इज द म्यूटेटेड एलील. सो बट दिस इज द कंडीशन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज अ कैरियर, ठीक है? ये ऑर्गेनिज्म कैरियर है और इसको हो सकता है माइल्ड सिकल सेल एनीमिया, माइल्ड सिकल सेल एनीमिया. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई माइल्ड सिकल सेल एनीमिया, बिकॉज़ ये इसको जो कंडीशन होगा, माइल्ड सिकल सेल एनीमिया मतलब अगर वो इंसान नॉर्मल अपने जैसे प्लेन्स में रह रहा है, देयर द ऑक्सीजन का टेंशन इज प्रीटी नाइस, सो देयर द पर्सन विल हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट अगर इस इंसान को मतलब तो भी उसको माइल्ड एनीमिया रहेगा, वी कैन नॉट डू फिजिकल एक्सरसाइज, वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ना दौड़ना वगैरह, इसको जल्दी चक्कर आ जाएंगे, बिकॉज जितने आरबीसीज हमारे पास है, जितना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं, इस इंसान का आरबीसीज उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे, सम ऑफ द आरबीसीज आर यूजलेस, ठीक है? सो इधर दे आर कैरियर टू पास दिस म्यूटेटेड जीन, और दे आर माइल्ड सिकल सेल एनीमिक. मतलब माइल्ड सिकल सेल एनीमिया का कंडीशन का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आप कोई ऐसे कंडीशन में चले गए, हाई ऑल्टीट्यूड में चले गए, वेयर ऑक्सीजन टेंशन इज प्रीटी लेस, ठीक है, दैट इज व्हेन यू विल गेट द डिजीज, दैट इज व्हेन यू विल सफर फ्रॉम अनीमिया या हाइपोक्सिया. लो ऑक्सीजन टेंशन के वजह से आपको अनीमिया कंडीशन हो सकते हैं बेटा, ठीक है? बट इट इज ऑल्सो सीन दैट दिस फीनोटाइप, this genotype, ठीक है, this genotype is giving rise to another phenotype, another character, and that is very important, इसमें blue में लिख रहा हूं, and that is resistance to malaria, ठीक है? resistance to malaria मतलब घूमकर बात ये है कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया होता नहीं, ठीक है? इसके पीछे भी रीजन है, वी टॉक अबाउट दैट, ठीक है? आप ये समझ लो कि इन अदर वर्ड्स दिस एलीलिक कॉम्बिनेशन इज कंट्रोलिंग थ्री, इट इज गिविंग राइज टू थ्री फिनोटाइपिक कैरेक्टर. व्हाट इज दोस
what are those three phenotypic characters? One is the carrier, that it is the carrier of this particular disease. Second, it is mild, it is showing the phenotype of having mild hypoxia or mild anemia. And the next one is resistance to malaria. Resistance to malaria, kyun beta? Because जो भी तुम्हारा मलेरियल पैरासाइट है इट गोज एंड मल्टीप्लाइज इन दी आरबीसीज. वो आरबीसी के अंदर है ना, आपने पढ़ा हुआ है एंथ्रोसाइटिक साइकिल होता है उनका, एक कि आरबीसी के अंदर वो जाकर दे विल मैच्योर इनटू गैमेटोफाइट गैमेटोसाइट्स, ठीक है. बट अगर आरबीसी इन लोगों का, तो आरबीसी कुछ कुछ तो सिकल शेप्ड है, तो जो सिकल शेप्ड आरबीसी है दे विल नॉट एक्सेप्ट, जो भी सिकल से शेप आरबीसी है दे विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द पैरासाइट, ठीक है. सो जिसको सिकल से एनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज वन फिनोटाइप व्हिच एचबीएस एचबीए या एचबीए एचबीएस इज गवर्निंग, ठीक है. वेयर एज एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एचबीएस एचबीएस HBS condition is lethal. आपने पढ़ा होगा lethal gene में, ठीक है. This is a lethal combination. This is a lethal combination and there is death around 4 years, 4 to 5 years. अगर किसी बच्चे के जीनों में दोनों, that is both of the HB genes are mutated, such a child will not survive till beyond 4 to 5 years. So technically nature, देखो nature इसको select ही नहीं कर पा रहा, क्यों? Because अगर ये organism जिंदा ही नहीं है, इंसान जिंदा ही नहीं है, तो क्या होगा? अगर जिंदा नहीं है तो it will not get the opportunity to fertilize, or it will not get opportunity to pass these mutated genes to the next generation. यहाँ पे 50-100% chances है कि gametes में mutated allele जाएंगे. यहाँ पे 50-50% chances है. 50% gamete will contain HBA and 50% gamete will contain HBS. तो chances कम है कि बच्चों को sickle cell anemia होगा, ठीक है. बट अगर HBS condition आ गया बेटा, that time sickle cell anemia is too much. ठीक है, यहाँ पे माइल्ड सिकल सेल एनीमिया है, बट यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया इतना ज्यादा है कि बच्चा जिंदा ही नहीं रह पाता. इज इट वेरी क्लियर? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ लीथल जीन. सो ये मेरा प्रीरिक्विजिट इंफॉर्मेशन था विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनिंग द कांसेप्ट, ठीक है. तो अब नेचर में किसको सिलेक्ट करना चाहिए बेटा? नेचर में नॉर्मल को सिलेक्ट करना ही चाहिए. नेचर में फिनोटाइप अगर होता है लोगों का, ठीक है, तो नेचर शुड सिलेक्ट नॉर्मल फिनोटाइप. और इन अदर वर्ड्स जीनोटाइप सिलेक्ट करना है तो नेचर को इसको सिलेक्ट करना है, नेचर को ये सिलेक्ट करना है, ये ऑर्गेनिजम्स, ये जीन्स ही है जो करेक्ट है, फिट है, ठीक है. नेचर इसको सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा, इज दैट राइट? बिकॉज इसका जीन्स आगे पास ही नहीं होगा. बट अस्टॉनिशिंगली नेचर इज ऑल्सो सिलेक्टिंग HBA HBS जीन. नेचर इसको ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है बिकॉज नॉर्मल है, बट नेचर इसको भी सपोर्ट कर रहा है बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म जो है इट इज ऑल्सो गिविंग एडिशनल एडवांटेज दैट इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया, ठीक है. सो कंडीशन के हिसाब से उस जहां पे अगर आप जीन पूल देखोगे तो अफ्रीकन जीन पूल में, ठीक है, जीन पूल इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन. तो अगर मैं अफ्रीकन जीन पूल देखूं जहां पे मलेरिया इज अ मेजर डिजीज, मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, तो अफ्रीकन रीजन्स में नेचर अगर आप जीन पूल देखोगे तो अकरेंसेस ऑफ HBA HBS विल बी मोर, ठीक है. अगर मैं 100 इंसान की बात करूं तो वहां पे 80-20 का रेशियो होगा. 80 ये तो बेटा इंसान मर ही जाएगा, है ना. तो अगर मैं 100% ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करूं, 2:1 का रेशियो है, ठीक है, 2:1 का रेशियो में मेरे को 2 ये मिल रहे, ठीक है. आइडियली दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, नो, यू गेट HBA, देन यू गेट HBS, और यहां पर भी आपको HBA HBS मिलता, तो आपको 2:1 का रेशियो मिल रहा है, इज दैट राइट? सो दिस 2:1 का जो रेशियो है
that is majorly active or it can be seen in the African region, because African लोगों को इस चीज की जरूरत है, they require that resistance to malaria. ठीक है, so if you study closely, study the gene pool of Africa, you will have more number of individuals having this genotype. ठीक है, and less number of individual having this genotype, because ये genotype वाला इंसान normal genotype तो है, ठीक है, but Africa में ये normal genotype is comparatively harmful, so nature वहाँ पे किसको ज़्यादा select करेगा, HbA, HbS को select करेगा, ठीक है, whereas Shimla में अगर आप जाओगे, Shimla के region, Shimla का gene pool देखोगे, या Siberia का gene pool देखोगे, colder areas का gene pool देखोगे, so there you will find a different analogy, a totally different character. वहाँ पे nature ने HbA, HbA को ज़्यादा support किया है, HbA, HbS को कम support किया है. Is that very clear? So conclusively, let's go ahead and understand the natural selection with respect to this condition. ठीक है, in the African regions, and in the high altitudes. ठीक है, high altitudes में, African region में nature ने किसको select किया है? Nature selected more HbS, HbA. क्यों? Because this was giving them resistance to malaria. Whereas high altitude में nature selected more HbA. HbA मतलब boom filter, बात ये है कि बोलने के लिए सर ये म्यूटेशन है, बट किसी को इस म्यूटेशन से फायदा हो रहा है, तो नेचर देखो यहाँ पे उस फायदे के हिसाब से जा रही है. सो यहाँ पे नेचर है सिलेक्टेड मोर HbS, HbA एंड लेस HbA, HbA, whereas यहाँ पे इट इज मोर HbA, HbA एंड लेस HbA, HbS. Is that very clear, beta? So this is also one of the example. ये example भी हम लोग types of natural selection में पढ़ने वाले हैं. ठीक है? So this is one example with respect to natural selection. Another example is 2-6 GPD deficiency. ये भी इससे linked है, beta. इससे associated. अपने RBC से sickle shaped. RBC से सेम सिनेरियो है, ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, बट दी रीजन इज डिफरेंट. यहां पे सिकल सेल एनीमिया वाज अ जेनेटिक डिजीज. ठीक है, यहां पे सिकल सेल एनीमिया वाज अ जेनेटिक डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ठीक है, सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट सिलेक्टिंग दी जीनोटाइप इन अ स्पेसिफिक जीन पूल. इन द अफ्रीकन जीन पूल द हेटरोजाइगस जीनोटाइप वाज सिलेक्टेड बिकॉज दैट वाज मोर एडवांटेजियस. Whereas in the high altitude, homozygous genotype were selected because that was more advantageous. Samjhe beta? Theek hai? So, very synonymous to this, we have another example, that is 6 GPD deficiency. Fifth example, 6 GPD deficiency. Again, this is a genetic disease. ठीक है, 6 ये क्या है बेटा? It is glucose 6 phosphate dehydrogenase. ठीक है, glucose 6 phosphate dehydrogenase जो एंजाइम है जो आपको इसमें रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है. ठीक है, तो ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी के वजह से क्या होगा? द डेफिशिएंसी लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन्स, डिपोजिशन ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन्स ऑन द डोनेंस मेम्ब्रेन. Donor's membrane क्या है? It is the membrane of
आरबीसी है ना, डोनर मेम्ब्रेन्स की मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो ये तुम्हारे आरबीसी के ऊपर कुछ अबनॉर्मल प्रोटीन्स बनाएगा, सो दिस आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी है, ये अबनॉर्मल आरबीसी है, दिस इज, दिस आरबीसी इज सीन इन दी अबनॉर्मल डेपोजिशन की वजह से ऐसा दिख रहा है, एंड दिस इज अ नॉर्मल आरबीसी, ठीक है। तो अब सेम कंडीशन, अब नॉर्मल आरबीसी है तो मलेरिया अटैक कर सकता है, ठीक है, बट दिस इज अ डिजीज, राइट, आरबीसी इधर पर अबनॉर्मल हो रही है, दिस इज एन एबनॉर्मल आरबीसी, सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन मलेरियल पैरासाइट कैन नॉट अटैक, कैन नॉट गेट इनटू द आरबीसी, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स 2-6 GPD deficiency, 6 GPD deficient organisms are selected in the African gene pool, या African regions, समझ रहे हो बेटा, जिसको ज्यादा फोकस है तो ये abnormal disease ना, है ना, बट अफ्रीकन लोगों को इस अबनॉर्मल डिजीज से फायदा हो रहा है, तो मोर एंड मोर जीनोटाइप हैविंग 6 जीपीडी डेफिशिएंसी, 6 जीपीडी डेफिशिएंसी जीनोटाइप आर सिलेक्टेड इन द अफ्रीकन रीजन, बट इन केस ऑफ शिमला, इन केसेस ऑफ हिली माउंटेन्स, सच ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिलेक्टेड। सो दिस इज हाउ समथिंग विच इज यूजफुल for someone is useless to the other individual and vice versa, ठीक है। तो यहाँ पे African लोगों को ये genotype which is a mutated diseased genotype फायदेमंद है, यहाँ पे African लोगों को ये disease फायदेमंद है, तो nature ने disease वाला genotype को select किया है। So there we finish up our today's class for natural selection with respect to only the examples. I hope the process of natural selection is very well understood. Iske basis pe jo questions aayenge, ek to aapko industrial direct yehi puchhenge ki industrial mechanism kya explain kar raha hai, theek hai, aur all of these examples which we studied, we will try to classify them in the next class, that is which we'll talk about types of natural selection. और एक टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ है, हमको वो ग्राफ को एनालाइज करना है। सो नेक्स्ट क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग, एंड दैट्स इट, गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई लव यू ऑल, बाय बाय।